स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू राज तिवारी ब्लॉग। तो गाइज आज आप सभी को लेके जा रहा हूँ फिर से होशियारपुर, जहाँ पे चल रहा है मेला। और साथ में ना, जैसे आज से नवरात्रे शुरू हो गए, आप सभी की नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों का दिन है और वहाँ पे शुरू हो चुकी है रामलीला। आज फर्स्ट डे है तो वहाँ की जो सजावट है संपूर्ण हो चुकी है। सजावट सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारे इस ब्लॉग में। तो चलिए निकलते और दिखाते कि कैसा चल रहा है वहाँ का मेला और कैसे चल रही है वहाँ की रामलीला की सजावट। रामलीला तक तब नहीं रुक सकता ना, क्योंकि मेरे को वापस भी आना होता है, कल सुबह फिर से काम पे जाना है। और जितना टाइम मिलेगा जो कुछ भी दिखा सकता हूँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे इस प्यार से ब्लॉग में। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। तो सबसे पहले करेंगे हनुमान जी के दर्शन, रामलीला मैदान दिखाएंगे आपको कैसा सजा है, उसके बाद हम एंट्री करेंगे मेले में। आप देखिए, मैंने कहा था ना कि दोनों साइड मार्केट ही मार्केट हो जाएगी। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग नहीं देखा तो आप देखना जो मैंने मेले की तैयारियां दिखाई हैं। तो देखिए अब कुछ इस तरह से सज गया है पूरा का पूरा बाजार। इस तरह भी पूरी मार्केट लग गई है, इस तरह भी मार्केट लग गई है, इस तरह भी मार्केट लग गई। और ये तो मेले की एंट्री आपने देखी हुई है, बहुत ही सुंदर एंट्री बना दी भाई उन्होंने। ये भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल पहले हम जाएंगे हनुमान जी के दर्शन करने। और रास्ते में देखो आप हर जगह शॉप्स ही शॉप्स लग गई हैं। और अगर भी आने का प्लान कर रहे हो ना तो भाई एक दिन पहले आ जाओ या दो दिन पहले आ जाओ। मेन दशहरे वाले अगर आप आ रहे हो ना तो बच्चों को बड़े ध्यान से रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज्यादा। वही फाइनली ये है हमारा रामलीला मैदान, जहाँ पे शुरू हो जाएगी आज से रामलीला। जैसे कि आज 3 अक्टूबर है और आज से रामलीला चलेगी, और आज से 9 दिन बाद होगा दशहरा, जो कि इसी ग्राउंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है होशियारपुर में। और मेला तो आपको पता ही वो लगा ही हुआ है। तो चलिए अभी हम जाएंगे मेले की तरफ और आपको दिखाएंगे कि मेला कैसा चल रहा है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होना मैं पक्का रात को रुकूँ यहाँ पर भी।
और कहते हैं ना परिवार पालना है, रोटी पानी तो कमानी है भाई, तो काम के जाना ही पड़ेगा सुबह, इसलिए वापस जाना है थोड़ी देर में। फिलहाल अभी एक व्यू लेंगे मेले का, बाकी भीड़ बहुत ज्यादा है भाई आज, बहुत ज्यादा। यहाँ पे लग चुके सूट बहुत ही प्यारे प्यारे भाई, कोई भी सूट ले लो 1200 में, देख लो आप कितने प्यारे प्यारे कलर लगे। और यहाँ पे एंट्री करते बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट आइटम्स, आइसक्रीम बार। तो मैंने बोला था ना थोड़े दिनों में पूरी की पूरी शॉपिंग के लिए आपके पास बहुत ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे देखो आप, पूरा फर्नीचर, इधर भी सूट वगैरह आ गए, गलीचे, अगर किसी ने अपनी रील्स वगैरह बनानी है उसके लिए। बाकी कुछ इस तरह मेले का व्यू देख लो आप कितना कह रहा है।